खबर आपको इस वक्त की बताते चले, दौसा के बांदीकुई से जहां मासूम नीरू को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है। मासूम नीरू ने जिंदगी की जंग जीत ली है। जी हां, 20 घंटे के बाद मासूम नीरू को बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे आप देखिए, बोरवेल से बाहर आने के बाद किस तरह नीरू को गोद में उठाते हुए सीधे उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। 20 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा था, आखिरकार जिंदगी की जंग में सफल हुई है नीरू। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था वो सफल हुआ है। बड़ी खबर आपको दौसा के बांदीकुई से इस वक्त की बता रहे हैं। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यही वो मासूम बच्ची थी। आप देखिए किस तरह मुंह पे हाथ रखे हुए निकली है, जैसे ही निकली वैसे तुरंत गोद में उठा के सीधे अस्पताल। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं पहले ही की गई थी। जो गोद में उठाए हुए वो डीएम देवेंद्र हैं, जिन्होंने मौके पे पहुंचकर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को जायजा भी लिया था। थोड़ी देर पहले न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत की थी और थोड़ी देर बाद के बाद ही सफल परीक्षण किया गया, और उसके बाद से 20 घंटे की इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 600 फीट बोरवेल में फंसी नीरू को आखिरकार बचाया गया। अस्पताल के लिए एम्बुलेंस जो व्यवस्थाएं करके खड़ी की गई थी पहले से, जैसे ही नीरू बाहर निकले उसी एम्बुलेंस से उसको सीधे अस्पताल पहुंचाया जाए। डीएम देवेंद्र अपने गोद में नीरू को लेते हुए आगे बढ़ते हुए सीधे अस्पताल उनको पहुंचाया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, आखिरकार नीरू जिंदगी की जंग जीत गई। 7 फीट की दूरी पर एक बोरवेल से गड्ढा खोदा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार लगी रही। इस समय कुदरत भी अब ये कहे मेहरबान था या जो भी, क्योंकि जब जिंदगी की जंग जीत कर आई तो कुदरत भी एक तरह से मेहरबान हुई। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा मानो कि अगर भारी बारिश हो जाएगी तो कैसे उस जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा वो कैसे सफल होगा, उसके लिए भी व्यवस्थाएं तुरंत प्रशासन की तरफ से की जा रही थी। वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे थे, लेकिन तब तक कुदरत की जो बारिश थी वो रुक गई और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया, और उसके बाद से समय धीरे धीरे कम होता गया नीरू तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को, और आखिरकार नीरू जिंदगी की जंग जीती हुई इन तस्वीरों में कैद। शायद ही इस मासूम ने सोचा होगा कि ये उसका बोरवेल में गिरना इस तरह से उसकी जिंदगी का ये बहुत बड़ा हादसा था, जिस हादसे से अपने हौसले से वो मासूम बच्ची निकल कर आ गई। क्योंकि जब भी उससे बात की जाती थी वो बात करती थी, वो बोलती थी, हाँ ये बात अलग है, वो बोलती थी वो कहाँ फंसी उसको खुद नहीं पता, कैसे निकलेगी नहीं पता, क्या क्या उसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं वो कुछ नहीं पता। उन सारी चीजों से अनजान ये मासूम बच्ची बस खाली ये बोलती थी कि माँ मुझे बाहर निकाल लो, माँ बाहर। इतना बोल पाने वाली वो मासूम बच्ची जो सही से ना खा पा रही थी ना दूध तक पी पा रही थी, 15 घंटे में 17-20 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, उस बीच में उसने सिर्फ 2 घूंट दूध का पिया। उस बीच में आप देखिए कि ये मासूम बच्ची जब बाहर निकली तो लोगों के जो दिल की धड़कने थी बढ़ी हुई थी वो शांत हुई होंगी। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। कितना आगर माइक टीम हमारा प्रशासन है, सब लोग चुप होकर कल से अथक प्रयास किया, और हमें पूरी आशा थी कि जिस प्रकार की मेहनत लगातार टीम हमारी कर रही थी और योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सतर्कता से लगातार उन्होंने अलग अलग मेथड को अपनाते हुए बच्चे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सतर्क होते हुए पूरी जो उनका अभियान था बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालना। हॉस्पिटल ले जा कर के उनका प्रारंभिक स्वास्थ्य परीक्षण करके उन्हें जो है उनके परिवार में सपोर्ट करें। सर एक बेहद भावुकपल था, बच्ची को आपने गोद में लिया, बाड़ी लगवाई, एक बहुत बड़ी मिसाल देखने को मिली, ये सभी के लिए हमारे लिए तो एक ही बात, आप लोगों के लिए भी था, आप लोग जो भी
जैसे मैं देख रहा था कि कल रात से हमारे साथ उनपे फोन समुचित व्यवस्था करके घरे जाए या उनको ढके जाए ऐसी आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो तो सब उन बोरवेलों को बंद किया जाए। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, मदद की, पूरी प्रशासन ने और पूरी मीडिया ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उस बच्ची को बचाने के लिए उसमें 10-12 फीट की केसिंग थी और नीचे कच्चा बोरवेल था, इस कारण से हम उसमें बड़ी जो है रिंग नहीं डाल पा रहे, वो लॉक नहीं हो पा रही थी।